वेलकम टू द थर्ड ओपिनियन ख़्वान हजरात आदाबर्स खुश आमदीद आज के इस प्रोग्राम में हम बड़े क्रिटिकल किस्म के इश्यूज पे बात कर रहे हैं जो कि इस्लामाबाद में एक तो मंदिर के हवाले से एक बहुत बड़ी कंट्रावर्सी चल रही है काफ़ी दिनों से और दूसरा इस्लामाबाद के अंदर ही एक जर्नलिस्ट जो हैं उनको किडनीप किया है कुछ अन नाउन इनविज़िबल किस्म की फोर्सेस ने जिनके बारे में अभी पता चल रहा है कि वो कौन है तो इस हवाले से सबसे पहले तो मंदिर के हवाले से हम बात कर लेते हैं चूँकि ये इशू काफ़ी दिनों से चल रहा है और हमने अपने एक गुजत प्रोग्राम में इस पर बात की थी जिसके हवाले से हमें काफ़ी फ़ीडबैक मिली है और फीडबैक के साथ साथ लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे एतराज़ भी किया है कि हमने इसको जो है वो उस तरीके से क्लैरिफाई नहीं किया जिस तरीके से ये होना चाहिए कि ये दरअसल इशू है क्या यानी ये है कि जितने भी प्रोग्राम इस इशू पे हो रहे हैं लोग कह रहे हैं जी मंदिर जो है वो बनाने से क्यों रोका गया या इसको बनाने से रोकना दुरुस्त है या इसके इर्द गिर्द जो सवालत हैं उन पर बात हो रही है लेकिन जो इसकी डेफ्थ है और इसके पीछे असेंस है कि असल स्टोरी जो है वो क्या है अब पहली बात यह है कि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा इस तरह का एक इशू उठा है कि जिसमें दो सवालत हैं कि एक तो ये है कि हिंदू जो एक माइनॉरिटी है पाकिस्तान में अपना मंजर बना रहे हैं और दूसरा ये है कि उस मंदिर के साथ जो बड़ी कंट्रोवर्सी है उससे भी ज़्यादा जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को एतराज है वो ये है कि सरकारी खर्च पर क्यों बना रहे हालांकि इससे पहले जो मंदिर और हिंदू का इशू है वो पाकिस्तान के जो मोस्ट सेंसिटिव क्रिटिकल बल्कि मैं ये कहूँगा कि ट्रैजिक ईशूज़ हैं उनमें से एक है लेकिन वो है इसके रिवर्स के वहाँ पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं बर्बाद किए जा रहे हैं या कन्वर्शन जो है उनकी हो रही है दूसरी जो है वो अमारतों में या उन पर प्राइवेट कब्ज़े हो रहे हैं या उन पर मवेशी बांधे जा रहे हैं या उनकी बेरुमती की जा रही है ये तो हम सुनते आए हैं गुजा कई पच्चीस तीस सालों से कि जो इन दुआओं की इबादतगाहें हैं फॉर दैट मैटर और जहाँ तक मुझे याद है कि ये ज़्यादा कॉन्ट्रावर्शल हिंदुओं की इबादतगाहें भी हैं पाकिस्तान में चर्च भी हैं उन पर भी हमले हुए हैं बहुत ज़्यादा है। और ईसाइयों के साथ भी बड़ी कई दफ़ा जो है वो बड़ी डिस्क्रमिनेटोरी बल्कि जालमाना सलूक किया गया है इस तरह सिखों के साथ भी कुछ वाक़ात हुए लेकिन जो सबसे ज़्यादा एज ए कम्यूनिटी कोई इबादत गाह है जिसको आप रिलीजस प्लेस कहते हैं प्लेस ऑफ वारशिप उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासर हुई है वो मंदर हैं और उसकी ालिबा एक बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में हज़ारों की तादाद में मंदिर मौजूद हैं मुख्तलिफ़ डेटा लोग दे रहे हैं कोई चार हज़ार मान रहा है कोई पाँच हज़ार मान रहा है लेकिन ज़ाहिर इतने बड़े इलाके में एक इतनी बड़ी कम्यूनिटी जो है आ, उसकी मौजूदगी में तो ज़ाहरा जहाँ बजहा मंदिर थे फोटी सेवन की पार्टीशन से पहले तो इसमें तो कोई कलाम नहीं कि उस वक्त मंदिरों की तादाद अगर मस्जिदों के बराबर नहीं तो उससे ज़्यादा ही हो सकती थी जब फोटी सेवन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ तो ये अचानक जो है वो उसके बाद इनमें इतनी ड्रास्टिक किस्म की कमी कैसे आई और उनको किस तरह जो है वो लोगों ने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बना ली या उनको मिसमार कर दिया या उनको जो है वो किसी और तरीके से किसी दूसरी इमारतों में जो है वो तब्दील कर दिया इस हवाले से एक बड़ा ट्रैजिक चैप्टर है और इसमें बड़ी रिसर्च भी हुई है बड़ा काम भी हुआ है कहीं ख़ुद हिंदू जो हैं सिंध बेस्ड हिंदू स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने बड़ी इस पर तफसील से बुक्स भी लिखी हैं थीसिस भी लिखे हैं जिसमें बड़ी किस्म की जो है वो इंफॉर्मेशन है लेकिन एक बात इसमें बहरहाल तय है जिससे किसी सैन किस्म के मुसलमान को भी एतराज नहीं है या किसी गवर्नमेंट ऑफिशल को भी एतराज़ नहीं है या जो वहाँ की इम्पार्शल किस्म की ह्यूमन राइट्स आर्गनाइजेशन है वो भी इस पर एतराज़ नहीं करती कि हिंदुओं के साथ बातुर कम्युनिटी एज ए रिलीजस कम्युनिटी और एथनिक ग्रुप जो भी जिस तरीके से आप उनको ले लें अपने उस नुक़ँ नज़र के मुताबिक और उनकी इबादत गाहों से आ, जो सलूक हुआ वो जो है वो बहुत ही काबिल मजम्मत और अनएक्सेप्टेबल जिसको आप कहते हैं राह है अब एक वक्त ऐसा भी आया कि कहीं जो इक्का दुक्का इस तरह की कोई रैशनल या टॉलरेंट किस्म की गवर्नमेंटें थी उन्होंने ये ऐलाना किए कि हम इन दुआओं के मंदिर जो हैं उनको सरकारी सतह पर रिस्टोर करेंगे और वापस कम्यूनिटी के हवाले करेंगे अब वहाँ पर इशू ये रहे हैं कि मंदिर ना तोड़े जाएं या जो टूट फूट का शिकार हो गए उनको रिस्टोर करके तो वापस कम्युनिटी के हवाले किया जाए या उनमें जो भी आप उसको म्यूज़ियम बनाएं या सारे कदीमा का वो हिस्सा बनाएं जो भी करें लेकिन उनको प्रोटेक्ट करें अब ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि एक नया मंदिर बनने पे आके तो एक इशू खड़ा हुआ अब नए मंदिर के हवाले से इसमें क्या नई बात है नए मंदिर के हवाले से इसमें नई बात यह है कि इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे रिलीजियस या यूँ कह लें कि रिलीजियसली मोटिवेटेड क्वेश्चन और जो पाकिस्तान की स्टेट ऑफ अफेयर है यानी जो स्टेट का माइंड सेट है उसकी इसमें जो है ना एक इन्वालमेंट वो ज़ाहिर होती है वो इस तरह के रिलीजसली मोटिवेटिड ऐसे कि वहाँ पर पहले आप इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लें जो आपने ज़ायरा मीडिया में देखी होगी कि हिंदुओं की एक तंजीम जो इस्लामाबाद में जो कम्यूनिटी बेस्ड आर्गनाइजेशन है उसने आ, उसके मुताबिक उनके कोई तकरीबन तीन सौ मम्बरान हैं जो इस्लामाबाद कैपिटल सिटी में एंड बाई द वे कैपिटल सिटी इज़ ए स्माल सिटी विद स्माल पापुलेशन तो उस प्रोपोर्शन के अतबार से देखा जाए तो इस एक कंसिडरेबल मायनारे तो वो कई सालों से मतालबा करते आ रहे थे कि हमें भाई जो ज़िंदगी की बुनियादी और नागजीर ज़रूरतें हैं जो हर मज़हब और कम्यूनिटी के लोगों की होती हैं वो हमारी भी हैं और वो हमें यहाँ पर मैसर नहीं है अब वो बुनियादी ज़रूरतों से मराद उनकी ये थी कि मसला जो है वो हमारे पास जो है वो मंदिर नहीं है जहाँ जाके बाद कम्यूनिटी इबादत करें हमारे पास जो है वो शमशान घाट जिसको आप कहते हैं कब्रस्तान वो नहीं है जहाँ जाके हम अपने जो मरने वाले लोग हैं उनकी आखिरी रसूमात करिया या मेरे ख़्याल में हिंदी में उसको कहते हैं वो करें या हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बात और कम्यूनिटी जाके तो अपना मसन होली है दिवाली कोई इस तरह की जो हमारी मजहबी रिलीजस जो त्यौहार हैं उनको वो करें अब इसमें जाहिर है कि ये किसी भी मुल्क में ख़्वा वो कितना ही जो है अनसिविलाइज क्यों ना हो या कितना ही थियोक्रेटिक क्यों ना हो या कितना ही जालमाना क्यों न हो या आज़ाद क्यों न हो लेकिन किसी कम्यूनिटी के अगर अफराद जो हैं वो जमा हो एक तंजीम के तौर पर ये मतालबा करें कि ये हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें हैं इसके लिए हमें कोई जगह दी जाए तो इन्होंने बड़ी ये लॉन्ग फाइट की जिसमें कि एक नाउन किस्म का टाइम uh, था जब बेनज़ीर भोटो के ज़माने में इन्होंने इस, इस इशू को उठाया था जो कि बेनज़ीर भट्टो के साथ जो है वो बड़े लोगों के रोमांसिस थे कि जी वो बड़ी इलाइटेंड हैं और मॉडरेट हैं और टॉलरेंट हैं और सिंध से उनका तल्लक है तो सिंध में वैसे भी जो है वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट और मॉडरेट ख्याल रखते हैं तो वो जो है इस बात को मान लेंगी कि इनका एक मंदिर होना चाहिए लेकिन ज़ाहिर बेनज़ीर ने मुमकिन है वो मान भी जाती है या मान लिया हो लेकिन उनके इख्तियार में इस तरह के डिसीजन नहीं थे हालांकि ये कोई बहुत बड़ा डिसीज़न नहीं है लेकिन फिर भी जिस सिचुएशन में बेनज़ीर थी और जिस तरह उन्होंने हुकूमत की उसमें आप यूँ एक काटी हुई पतंग की तरह आप उसको कह सकते हैं तो इसलिए उन ये जानने के बावजूद भी कि ऐसा होना चाहिए वो डिसीजन नहीं कर सकी बाद में ये एक लंबा इनकी स्ट्रगल है जिसके बाद ये जो हिंदू बरदरी है ये ह्यूमन राइट्स कमीशन में चली गई और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन और ये सारे इस तरह के अपीलें और वहाँ अपीलें करने के बाद बिलाकर उनको रिसेंटली चंद साल पहले ये जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने ये इख्तियार दिया कि आप उनको ज़मीन का एक जो है वो अलाट किया कि आप यहाँ पे अपना एक कम्युनिटी सेंटर चर्च शमशान घाट और ये जो है जगह बना सकते हैं अब जब सीडीए ने ये अलाट किया सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जब ये अलाट किया तो चार कनाल का एक प्लाट था जिस पे ज़ाहिर है लोगों ने एतराज़ किया चूँकि वहाँ पर ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जिनको अब कब्ज़ा ग्रुप कह सकते हैं रिलीजन के नाम पर या हेटेड ग्रुप कह सकते हैं या ऐसे इस तरह के लोग कह सकते हैं जिनका काम ही दूसरे मजाब के ख़िलाफ़ नफ़रत है और अपना जो जहरीला किस्म का इनर साइड है उसको उगुलना खा वो उस हिसाब से कुछ भी हो रहा हो कोई मंदिर बन रहा हो टूट रहा हो डिस्प्लेस हो रहा हो जो भी हो रहा हो तो जाहिर है उन्होंने उस पर एतराज़ किया लेकिन वो कोई इतना बड़ा एतराज़ भी नहीं था कि आपने प्लाट क्यों लिया लेकिन हुआ ये कि चूँकि ये बेचारी जो हिंदू कम्यूनिटी है अंडर प्रिविलेज लोग हैं डिस्क्रमिनोटोरी प्रोसेस में रहते हैं तो जाहिर है उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे तो उन्होंने दरख्वास्त दी कि जनाब हमें जो है वो गवर्नमेंट फंडिंग दी जाए अब इसके साथ ये एक बड़ा इन, बड़ा इम्पॉटेंट और आप यूँ कह लें कि एक कॉन्ट्रवर्शल इशू खड़ा हो गया कि जब उन्होंने दरख्वास्त दी कि हमें गवर्नमेंट फंडिंग दी जाए तो वहाँ पे जितने जो रिलीजियस हेड मोंगर्स थे उन सब के कान खड़े हो गए कि लो भाई ये क्या हो रहा है जिसके ख़िलाफ़ एक ऐसा अमल हो गया कि जैसे पाकिस्तान की स्टेट का जो पैसा है वो उनकी कोई ज़ाती जागीर है और इसमें एक बड़ा एक दिलचस्प एक माइंड सेट है जो एक्सपोज़ होता है कि पाकिस्तान को इन फैक्ट किस किस्म के लोग रूल करते हैं और उनके जहन में है क्या कि इसको रूल करने की जो इंटाइटलमेंट है वो इतनी इनबिल्ट है उनके माइंड में कि वो ये समझते हैं कि इस मुल्क में उनकी मर्ज़ी के बगैर ख्वा व मर्जी कितनी ही जो है अन क्यों ना हो उसके बग़ैर वहाँ पर जो है वो चिड़िया पैर मारने की मिजाज नहीं है तो अब उन्होंने सवाल ये उठाया कि भाई ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में जो है वो एक हिंदू मंदिर को हुकूमत पाकिस्तान पेशा दे हिंदू मंदिर का दूसरा तर्जुमा उन्होंने ये किया कि इससे मराद बुत खाना है यानी मंदिर को वो बुत खाना कहते हैं तो चूँकि उनके बाकूल उनकी सारी तारीख सारा जग्राफिया ये सारी चीज़ ही जो है वो जुड़ी है बुत से लड़ाई के लिए और बुत तोड़ने से और बुतों से उलझने से और बुतों को मिटाने से तो ये कैसे हो सकता है कि बिलाखर आके उन्हीं के नाक के नीचे एक जगह बने जिसको वो बुत खाना कहते हैं मैं उसे बुत खाना नहीं कहता मैं समझता हूँ कि मंदिर है हिंदू से मंदिर कहते हैं तो उसे मंदिर ही कहना चाहिए लेकिन बहरहाल जब उन्होंने ये सवाल उठाया तो फिर इसके साथ दूसरा दो सवाल जो जुड़ गए क्या एक इस्लामी रियासत में कोई गैर इस्लामी इबादत गाह बन सकती है सादा ज़बान में एक ये था और दूसरा ये कि क्या कानूनी तौर पे जो गवर्नमेंट है वो किसी गैर मुस्लिम इबादत को फंडिंग दे सकती है और जिस पे असल लाल पीले हुए वो फंडिंग के लफ्ज़ पे हुए फंडिंग यानी जिस तरह जो है ना वो माखी डंग मार देती है ना इस तरह उनको बहुत बड़ा एक छलांग लगाई कि ये कैसे हो सकता है इस पर अब ये जो है क्या हुआ कि उन्होंने फतवे शुरू कर दिए जिसमें जाम अशरफिया एक अशरफिया जो है एक बहुत ही पुरानी एक दरसगा और फतवा गाह है जिसने ये फतवा जारी कर दिया कि नहीं जी ये तो हो नहीं सकता इस्लामी रियासत के अंदर इस तरह की कोई चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है उस फतवे के बाद फतवेबाजी और रवायती किस्म का जो वहाँ पे एक ब्रिगेड है गैरत ब्रिगेड इस्लाम ब्रिगेड फौजी ब्रिगेड वो तो सारे उन्होंने जो ब्रिगेड बनाए हुए हैं वो ले निकल गए जिनमें एक वकला का भी ब्रिगेड है जो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के वकला के माथे पे कलंक का टीका है उन्होंने जाके तो वहाँ पे जो है वो लिखनी शुरू कर दी जनाब हैं कि जी ये कैसे हो रहा है जी कि एक मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना था उस पर मंदिर कैसे बन रहा है अब इससे जो उनके जहन के अंदर डेप्थ ऑफ कन्फ्यूजन है रिलीजस जो एलिट है उसके जहन में वहाँ की जो ये सो कॉल्ड किस्म की लीगल कम्युनिटी है उसके जहन में किस कदर कन्फ्यूजन है वहाँ की जो डिसीजन मेकर हैं उनके जहन में किस कदर कन्फ्यूजन है मैं समझता हूँ कि ये एक लिटमस टेस्ट के तौर पे ये मंदिर कंट्रोवर्सी सामने आ गई जिसने सब के जहनी दिवालियापन को उनकी गिरावट को उनकी पस्ती को और उनके इग्नोरेंस को बिल्कुल पूरे तरीके से जो है वो एक्सपोज करके रख दिया अब उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे बड़ी वजह तो ये हुई कि उसने जो हमारी खान साहब की सरकार है जो कभी रियासत मदीना बनाती है और कभी स्वीडन बनाती है एक तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई और उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए इस क्वेश्चन को जो है वो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को रेफ़र कर दिया अब क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि क्या एक इस्लामी मुल्क में मंदिर बन सकता है लुक एट क्वेश्चन और हम जो है वो इक्कीसवीं सदी में रहते हैं एज़ speak टूडे ये आज जो है वो सेवनटीन ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी है और उसमें हम लोग हैं जो कि बैठ के ये बहस करते हैं कि क्या एक इस्लामी मुल्क में मंदिर बन सकता है पहली बात ये है कि ये ख़ुद इग्नोरेंस का एक चैप्टर है कि क्या पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है या पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों का मुल्क है या एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुसलमान अक्सरीत में, में और क्या किसी ऐसे मुल्क में जिसमें मुसलमान अक्सरीत में हों उसमें किसी दूसरी कम्यूनिटी को जीने का अपने मंदिर बनाने का अपने शमशान घाट बनाने का अपने मर्दों का जो है वह आखिरी रसूम अदा करने का और आपस में मिल बैठने का भी यक़ नहीं ये सवाल है सादा ज़बान में जिसको वो इंटेलेक्चुअली एक एक जो है वो कानूनी सवाल बना के तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से फतवा लेना चाहते हैं जिसका दूसरा मतलब ये हुआ कि हमारे जो हुक्मरान तबक और पॉलिसी मेकर हैं वो सिर्फ़ दुनियावी मामल में ही नायल इनकम्पिटेंट और इग्नोरेंट नहीं है बल्कि इस्लाम के बारे में भी उनकी जो राय है जो अप्रोच है और नॉलेज है वो भी बहुत ज़्यादा जो है इग्नोरेंस पे मबनी है आप अगर पीछे जाके देखें ये सारे तारीख़ इस्लाम में पीछे जाएं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसलम ख़ातिमाबीन के दौर में चले जाएं, तो उनके ज़माने के डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं रवायात भी मौजूद हैं और सेटल क्वेश्चन है ये एक सेटल क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि एक चीज़ जो तय हो चुकी बार बार तय हो चुकी तो उसको फिर जो है वो तय करने के लिए दोबारा उठाना जो है गड़े मुर्दे उखाड़ने का दूसरा मतलब ये है कि आपके असल में मफादत कुछ और हैं आपके जहन में कोई चीज़ और है अब आप इसमें देखें कि अगर आप मोहम्मद ख़ातमनबीन की प्रैक्टिस से ही देखें तो जो उनका कोवोनेंट था जिसको सेंट कैथरीन कोवोनेंट के नाम से भी जाना जाता है जिस पर कि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि इसमें जो ग़ैर मुस्लिम और इन डिस केस उस वक्त चूँकि ज़ाहिर है वहाँ कोई हिंदू नहीं थे लेकिन जो मानस्ट्री थी वहाँ पे क्रिश्चियन थे या ज्यूस थे या दूसरे जो इस तरह के रिलीजन थे उनके बारे में उन्होंने बड़ा एक डिटेल डॉक्यूमेंट तैयार किया वो डॉक्यूमेंट जो है वो दुनिया के कई म्यूज़ियम्स में उसकी कापियाँ मौजूद हैं उसकी अपनी एक स्टोरी है जो इससे रेलिवेंट नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट कितने दफ़ा चोरी हुआ कितने दफ़ा उसकी फ़ोटो कापी हुई किसने उसको लिखा और कैसे मोमूलम ने उस पर साइन किए या अपना उन्होंने उसको इख्तियार दिया तो वो सारी चीज़ें लेकिन उसमें ये असूल तय थे और हैं ये तो मैं डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ चूंकि उस डॉक्यूमेंट पर जो रियली इस्लामिक और जो दूसरे क्रिश्चियन या दूसरे स्कॉलर्स हैं जूश स्कॉलर वो इस पर इतफाक़ करते हैं उस डॉक्यूमेंट की मौजूदगी में उसके कई पहलू हैं कहीं म्यूज़ियम्स चर्च से भी वो मिला है ईजप्ट के एक चर्च से जो कि एक फ्रेंच रिसर्चर uh, था जिसने निकाला था उसको तो उसको बहुत सारे इस्लामिक के अलावा जो uh, खलीफा थे उन्होंने भी उनको तस्लीम किया कि एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट है तो वो एक गाइडलाइन है कि भाई इस्लाम uh, एक अगर मेजॉरिटी है यहाँ पे आपके पास कोई माइनॉरिटीज वाले लोग हैं तो उनके जो उन्होंने चीज़ें बयान की कि मसा आप उन पर टैक्स नहीं लगा सकते उन पर गैर ज़रूरी बोझ नहीं डाल सकते वो किसी जगह भी किसी वैली में किसी पहाड़ पे किसी चर्च में किसी जगह पे भी इबादतगा में जमा होना चाहते हैं तो आप उनको नहीं रोक सकते यानी जो नेगेटिवज़ हैं और जाहिर है कि उसके पॉजिटिव की तरफ मैं फिर आता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये इस्लाम में चौदह सौ साल से एक सेटल्ड क्वेश्चन है और ये जो हम जिनको खुलफा राशद कहते हैं खुलफ़ा राशद से मराद वो चार सबाक सावा, क़राम की हुकूमतें जिन्होंने हज़ूर सल व्माति नबीन के बाद हुकूमत की है दुनिया पर उनके दौर की भी मसालें बहुत सारी हैं कि मसा जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में के किस तरह चूँकि जंगों का आगाज उनके दौर में हुआ दूसरे इलाके फतेह हुए तो वहाँ पर जो मानेटीज़ थी जो चर्चज थे या दूसरी इस तरह की इबादत गाँ थी उनको उन्होंने किस तरह प्रोटेक्ट किया खुद और उनको प्रोडक्शन का किस तरह आर्डर दिया जिसका मतलब है एक एक यानी इसका वन पहलू अब हम आते हैं इसके दूसरे पहलू की तरफ़ से कि इसमें कोई भी जो एक आप यूँ समझ लें कि एहतराम कोई हुकूमत जो बनी है पूरी इस्लामी तारीख में उसमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसने कि गैर मुस्लिम लोगों को ए, इक्वल सिटीज़न का दर्जा ना दिया जो कि एक नार्म रहा है ये मैं पिछली सुल्तनतों की बात नहीं करता कि सुल्तनत ओस्मानिया में ये हो गया था या अफला में ये हो गया था चूँकि है कि इस्लाम के नाम पर तरह तरह के हुक्मरान जो है वह अवाम पे मसालत होते रहे उनमें से कई ऐसे थे जिनका बाई बाईबर्थ जो है वो मजहब इस्लाम था लेकिन उनकी प्रैक्टिस बहुत ही बड़ी जो है वो वैशाना और फाशिस्ट किस्म की थी जाहिर है उन्होंने लोगों के हकूक़ छीने और वो ना सिर्फ उन्होंने गैर मुसलमों के या दूसरी माइनॉरिटीज़ के हकूक छीने बल्कि सबसे ज़्यादा जुल्म ताशाद और नाइंसाबी ख़ुद अपनी रिया से और अपने लोगों से भी की तो उसको फिर हम हिस्ट्री के एक डिफरेंट चैप्टर में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं मैं समझता हूँ कि इसमें उसको ये इरेलीवेंट होगा लेकिन ये है कि ये उन्होंने कभी किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो इस बहस में पढ़े कि नहीं जी माइनॉरिटीज़ जो हैं वो इक्वल सिटीजनज नहीं होती आप हिंदुस्तान की मिसाल ले लें हिंदुस्तान में ज़ाहिर है दोनों किस्म के मुसलमान हुक्मरान रहे हैं कुछ जो जाबर और ालम थे जिन्होंने के ज़ाहिर है हिंदू तो माजॉरिटी में थे लेकिन फिर भी उनके साथ ज़्यादियों की उनके मंदिर तोड़े या उनको कन्वर्ट किया मंदिरों को मिसमार किया या जो भी किया लेकिन ऐसे हुक्मरान भी रहे अकबर की तरह या इस तरह के जो मसाली हुक्मरान थे जिन्होंने मंदिर तमीर किए उनके लिए डोनेशनस दी उनके लिए बाकायदा जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर स्पेंडिंग की तो इस हवाले से अब ये क्वेश्चन आके मैं चौदह सौ साल बाद उठाऊँ और इस्लामी नज़रिया कौंसिल के चार पाँच जोकर्स जो हैं जो सरकार की तनख्वाह ले के तो इलम और फ़लसफ़ा हमें सिखाते हैं उनके आगे रख दूँ कि आप बताएँ जी कि इस्लाम में जो है वो मंदिर बन सकता है या नहीं बन सकता तो मैं समझता हूँ कि ये एक डिस्प्ले है किसकी इग्नोरेंस की डिस्प्ले है और दूसरा ये चालाकी है क्योंकि पाकिस्तान में कोई इशू जिसमें आप किसी का कुछ करना नहीं चाहते तो उसको आप न, या तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के हवाले कर देते हैं और वो बनाई इसी गई इसी लिए गई थी यानी जो फोकस किस्म का उसका पर्पज़ था कि जो इश्यूज हैं जिनको हम वो नहीं कर सकते वो इनके हवाले कर देंगे ये उस पर आठ दस साल बैठे रहेंगे चूँकि वो तो तनख्वाहदार मुलाज़म है वो कोई जैनल स्कॉलर तो हैं नहीं तो तनख्वाहदार मुलाज़म जो है उसने तो अपने पीरियड को प्रोलॉन्ग ही करना है और वो ऐसे नान ईशूज़ पर जो कि ईशू ही नहीं होता चलो एक तो ये हो गया इसका पहलू दूसरा इसका ये है कि क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम हैं वो इक्वल सिटीजन हैं तो इक्वल सिटीज़न का मतलब क्या हुआ इक्वल सिटीज़न का मतलब ये है कि वो इसी तरह टैक्स पे करने के पाबंद हैं जिस तरह वहाँ का कोई बहुत बड़ा मुल्ला है रिलीजस क्लैरिक है कोई स्कॉलर है कोई ब्यूरोक्रेट है कोई सिविल सर्वेंट है इसी तरह एक वहाँ की माइनॉरिटी कोई हिंदू है सिख है पारसी है वो टैक्स पे करने का पाबंद है उस मुल्क के कानून पर अमल करने का पाबंद है तो जब वो इस तरीके से पाबंद है तो फिर जब उसके राइट्स की बात आएगी तो आप उसको कान से पकड़ के तो कतार से बाहर नहीं निकाल सकते कि भाई तुम जब हम तुमसे लेने की बारी है तो हम तुमसे सब लेते हैं हम आपसे कोई जुजिया या वो पुरानी इस्लामिक जो रियासतों वाली कहानी नहीं करते कि तुम चूँकि गैर मुस्लिम हो तो इसलिए तुम इतना टैक्स दो या इतना जुज़िया दो या इतना ना दो जब हम ये कहते हैं कि तुम जो है इक्वल सिटीज़न और इक्वल टैक्स दो इनकम के हवाले से तो फिर राइट्स का सवाल आता है तो क्या पाकिस्तान में किसी मुसलमान का ये राइट नहीं है कि वो मस्जिद बनाने के लिए सरकार से जो है वो पैसे मांगे चूँकि सरकार कोई पैसे जो है अपनी जेब से तो नहीं देती ना सरकार के पास जो पैसे हैं वो उसने अवाम से या लूट के लिए हुए हैं या इस तरह की जो भी वहाँ का प्रोसेस है उसको आप देख लें सामने एक फेयर सिस्टम नहीं है जिसमें कि किसी फेयर प्रोसेस में जो है वो किसी के पास भी कोई पैसे हों वहाँ तो एक लूट को सूट का राज है और उसमें रियासत भी और हुकूमत भी जो है वो इससे मुस्तना नहीं है लेकिन अगर वो मस्जिदों को मज़ारों को और इस तरह की दूसरी जगहों को ना सिर्फ नवाजते हैं बल्कि ज़बरदस्ती जा तो उनकी खुशनोदी हासिल करने के लिए उनके साथ फोटो बनवाने के लिए और अपनी पाकिजगी साबित करने के लिए और अपने जो उनके जुल्म और गनाह हैं उनकी आग को थोड़ी ठंडी करने के लिए उस पर पानी फेंकने के लिए वो मौलवी के आगे पीछे हाथ बाँध के फिरते हैं कि जनाब आप हुक्म तो करें कि आपको दूसरी या तीसरी या चौथी मस्जिद उसी महल्ले में बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए तो वहाँ पर एक जो है वो मज़लूम और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार एक छोटी सी कम्युनिटी जाके तो अगर ये कहती है कि हमें अपनी ये एसेंशियल मैं इसको एसेंशियल कहूँगा ये कोई वो हिंदुज़म के फैलाओ या ये कोई तबलीग का काम नहीं बल्कि एक एसेंशियल ज़रूरत है चूँकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती एक चीज़ आपकी फैसिलिटी जिसकी आपको ज़रूरत है तो उसके लिए अगर आप अपना हक मांगते हैं और हक़ इसलिए मांगते हैं कि आप उस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में टैक्स पे करते हैं और उस मुल्क के इक्वल सिटीज़न तो जाहिर है कि उसमें फिर आपको जो है आ, किसी भी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को या हुक्मरान को ये हक़ नहीं पहुँचता कि आपके क्वेश्चन को अल्तवा में डालने के लिए या इससे बचने के लिए आपके इस इशू को जो है वो किसी कमेटी के हवाले कर दे ये इसके दो पहलू थे जो उन्होंने बचने के लिए किया चूँकि लीगली उनकी इंटाइटलमेंट ऑलरेडी बनती है अब ये जो है कितनी बनती है उसकी मकदार पर बात हो सकती है जो उसकी अमाउंट है लेकिन ये कहना कि हम इस्लामी नज़रिया कौंसिल से एक ऐसी बात पूछ रहे हैं जो चौदह साल से हज़ार बार पूछी गई और हज़ार बार उसका जवाब दे दिया गया और किसी भी एथेंटिक जगह पर कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई ममानत है कि आप एक हिंदू मंदिर को जो है वो फाइनेंस नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इशू है जो इसलिए इस तरीके से इसको किया जा रहा है ताकि वहाँ की जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं उनकी खुशनुदी हासिल की जाए आ, उनके जो अताब से और उसके गजब से बचने के लिए इस मामले को वो किया जाए अब इसके साथ साथ मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि जो दूसरा इशू था कि इसी तरह उसी इस्लामाबाद में चूँकि वहाँ कोई चीज़ फेयर एक तो इसके साथ हो गया जी चूँकि ये हिंदू हैं तो इसलिए आप इनके साथ जो मर्ज़ी सलूक करें इनका राइट जो है उसको क्लियरली डे लाइट में डिनाई कर दें कोई आपसे पूछने वाला नहीं कोई उनकी सुनवाई नहीं कोई अपील की जगह नहीं इसी तरह बिल्कुल वहाँ पे जो है वो है एक दूसरी चीज़ जिसको कहते हैं कि सच बोलना हक़ की बात करना तो ये भी अब एक वहाँ पे समझ लें कि फ़िरका डिवेलप हो रहा है जो सिर्फ बहुत ही लिमिटेड किस्म की अकलीत में है जो सच बोलता है उसका तो अलग भी ज़िंदगी के हर शोबे से है उसमें साफ़ी भी हैं उसमें वकला भी हैं उसमें स्कॉलर्स भी हैं और उनके साथ वक्ता फ़क्तान जो सलूक होता रहता है उससे हम और आप सब आगाह हैं अभी रिसेंटली हमने कुछ प्रोग्राम किए थे कि वहाँ पे प्रोफेसर्स के साथ स्कॉलर्स के साथ रिसर्चर्स के साथ क्या सलूक होता है कैसे उनको ए, उनकी जाब्स से और उनकी पोजीशन से जो है हटा दिया जाता है इसी तरह सारे चीज़ों को तो उसकी एक मिसाल जो है वो है मीडिया पर्सन भी जो कि ज़रा अबलाक से मुंसलिक रोक हैं एक आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल जो है वहाँ के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप का जो हैड है मेर शकील वो बहुत महीनों से जो है बगैर किसी लीगल प्रोसीडिंग के बग़ैर किसी ड्यू प्रोसेस के उनको जो है वो बिया दी बार रखा गया है जिसके कल ही आपने देखा होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है ख्वाजा साद रफीक केस में जो डिसीज़न जो है वो बाकोल एक ओपोजिशन लीडर के एक फ़र्द जुर्म है नैब के ख़िलाफ़ जिसमें उन्होंने खोल के बयान कर दिया कि नैब की ये सारी कार्रवाइयाँ जो हैं ये सारे तरीके चूंकि सिमिलरिटी है एक केस और दूसरे केस में तो आप लोगों को उठा के तो सलाखों के पीछे फेंक देते हैं बगैर किसी ड्यू प्रोसेस के बग़ैर कुछ बताए बग़ैर कोई प्रोसीडिंग चलाए तो ये इंसान की आज़ादी को सलब करने का ये जो बेसिक ये प्रिंसि ये तो कदीम जो यूनान की तहजीब में भी ये उससे लेके अगर आप आगे आते जाए ना तो जो खौफनाक किस्म की सुल्तनतें दुनिया में हो गुज, गुज़री हैं उनमें भी कभी ये नहीं होता था कि आप बंदे को उठा के ले जाएं उसके ख़िलाफ़ कोई प्रोसीडिंग के बग़ैर जी हाँ तुम मजरुम हो सज़ा काटते रहो ये पाकिस्तान में जंगल का कानून जो है वो राइज है जो दिन ब दिन जो है वो मजीद सख्ती के साथ जो है वो राइज होता जा रहा है इसकी एग्जांपल एक मीर खलील रहमान तो मीडिया से हैं लेकिन पॉलिटिक्स में आप देख लें नवाज शरीफ से लेके कर सब के साथ जो हुआ दिन दाड़े अगर उन लोगों के साथ जिस मुल्क में ये हो सकता है जो उस मुल्क में नस्ल दर नस्ल हुक्मरान रहे आधी जिंदगी उन्होंने हुक्मरानी में बैठ के गुजारी तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे मुल्क में एक आम आदमी जो है अगर इन लोगों के चंगल में फंस जाए तो उसके लिए क्या सुनवाई है और क्या रास्ता है इस हिसाब से वहाँ बहुत सारे साफ़ी हैं जिनको गुजश्त कहीं सालों से जो है विक्टमाइज़ किया जा रहा है उनको मीडिया हाउस से निकाल दिया गया वो अपनी यूट्यूब चैनल बना के बैठ गए इनमें एक ये मती जान भी थे जिनके बारे में बड़ी एक समलमा किस्म की राय है सब लोगों की कि हुूत के ख़िलाफ़ तनकीद इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़ सच बोल रहा हूँ तनकीद मैं नहीं कहूँगा सच बोल रहा हूँ जो है बोलने वाले महदूद चंद लोगों में से एक थे उनको दिन दहाड़े एक सरकारी स्कूल के सामने से एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनमें वर्दियों वाले भी थे और बग़ैर वर्दी भी थे उन्होंने उनको उठा के एक गाड़ी में डाला और अगवा कर लिया अब वो क्या कहते हैं वो लोग के हम ये कार्रवाइयाँ करते हैं मुल्क की सलामती की खातर मुझे इस पर बहुत बड़ी हंसी आती है कि जिस मुल्क में मुल्क की सलामती के जामन इतने इनकम्पिटेंट्स बेवकूफ़ और इग्नोरेंट किस्म के लोग हैं कि उनको सामने नहीं नज़र आ रहा कि ये उनको नहीं पता है अगर कि हमारे जो इस्लामाबाद में सेंसटिव एरियाज़ में सरकारी स्कूल हैं उनमें सी टी वी जो सी सी टी वी कैमराज जो हैं वो लगे हुए तो उन्होंने वो बड़े मज़े से अपना पूरा जो मार्का था उसको उस कैमरे में जो है वो महफूज कराया बंदे को उठा के ले गए और जाके उनको बाद में जब पता चला कि भाई ये तो हमारा सारा कुछ जो है ये रिकॉर्ड हो गया तो उन्होंने उसको दूसरे दिन जो है वो छोड़ दिया अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे कुछ लोगों ने उस मुल्क पे कब्जा किया हुआ है जिसमें के जो कॉम्पिटेंसी है जो सिंसियरिटी है जो फेयरेंस है जो ट्रांसपेरेंसी है जो फेयर प्रैक्टिस लाइफ में होती हैं उनका कोई गुजर नहीं है चूँकि इन चीज़ों में से किसी का भी गुजर होगा तो इनका कब्ज़ा जो है वो टूट जाएगा तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही काबिल मजम्मत किस्म का फेल था जो ये इस साफी के साथ हुआ लेकिन वो कोई पहला साफ़ी नहीं है पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालक में शामिल है जहाँ पर जर्नलिस्ट मीडिया एक बहुत बड़ा हाईएस्ट रिस्क जो है फील्ड उसमें आप कह सकते हैं वहाँ पे कहीं साफ़ी जो है वो मार दिए गए कहीं डिसपियर हो गए और कहीं जो है उनको अपने रोज़गार से हाथ धोने पड़े तो मैं समझता हूँ कि बड़ी डिस्टर्बिंग एंड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और इस हवाले से पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में सिविल लिबर्टीज़ और जो जमहूरीत का सवाल है उस पर अभी तक एक सवालिया निशान है और उसके ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता है सच बोलता है तो उसके साथ मुबे वतनी के एक गैर हकीकी किस्म के वो चीज़ें जोड़ के तो उसको विक्टमाइज़ किया जाता है तो आज का ये प्रोग्राम मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी हाफिज़